बड़ी खबर, थाना इत्मादपुर पुलिस पर पीड़ितों ने लगाए गंभीर आरोप। थाना इत्मादपुर पुलिस पर आरोपियों से पैसे के लेनदेन को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में एसएसपी ऑफिस के बाहर लगाए नारे। मामला थाना इत्मादपुर का है। पीड़ित के अनुसार पीड़ित के भाई दिलजीत की 21 अगस्त की शाम को ससुराली जनों ने मिलकर हत्या कर दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या की पुष्टि हो चुकी है, उसके बावजूद भी इत्मादपुर पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ रही है। परिवारिक जनों ने कुल 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित परिवार का कहना है, 1 महीने से ऊपर बीत जाने के बाद भी एक भी आरोपी को पुलिस ने नहीं पकड़ा। पुलिस जानबूझकर आरोपियों का बचाव कर रही है। पीड़ित परिवार ने थाना इत्मादपुर पुलिस को बताया घूसखोर। पीड़ित परिवार न्याय के लिए उच्च अधिकारियों से लगा रहे हैं गुहार और हथियार आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं एसएसपी आगरा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द हथियारों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। नाम है आपका? मेरा नाम बाघेलाल है। बाघेलाल जी, क्या कुछ मामला है? आज आप कलेक्टर में आए हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमारे यह कहना चाहते हैं कि हमारा लड़का मार डाला और उसमें कोई सुनाई नहीं हो रही है। थाना इत्मादपुर पकड़ लेता है, छोड़ देता। किन लोगों ने मारा? कितने साल का था? क्या हमारा लड़का 22 साल का था और कला वालों ने मारा था। क्या कुछ कारण रहे मारने के? बहू को लिवाने के लिए गया था और 2-3 दिन रहा था, बाद में मार डाला। कितने साल पहले शादी हुई थी लगी? 4 महीने हुए अभी। 4 महीने बाद क्या कुछ अभी संबंधों को लेकर कोई बात थी? कुछ नहीं थी, महिला के लिए कुछ नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? बस 3 साल आई है, मेरा लड़का मार करके फांस में टांग दिया। थाने दौला पुलिस का वो एडमतपुर पुलिस का क्या कहना है? जो कहना है कि हम पकड़ेंगे धीरे धीरे पकड़ना। 19 तारीख को पकड़ा था। कितने लोग नाम ज्यादा उसमें? 5 है। एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज आप कप्तान साहब के आए हैं, क्या आश्वासन दिया है कप्तान साहब ने? कप्तान साहब ने आश्वासन दिया कि आगे गिरफ्तारी हो जाएगी। आज अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो क्या कुछ कदम रहेगा? आप आगे बढ़ेंगे, लखनऊ तक जाएंगे।